हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी से दानेदार कुल्फी। तो सूजी से हम कुल्फी बनाएंगे, इसे बनाना बेहद आसान होगा और ये झटपट बन के रेडी हो जाता है घर पे कुल्फी। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, हम एक पैन ले लिए हैं और पैन में डालेंगे घी या बटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, हम 2 बड़े चम्मच घी डाल लिए हैं खाने वाला चम्मच से, और इसी में हम डालेंगे, ये देखिए ये सूजी है, तो ये खाने वाला चम्मच से 4 चम्मच सूजी है। तो देखिए, 4 चम्मच हम सूजी ले लिए हैं और डाल ले रहे हैं। अब हमें इसे डाल के अच्छा से भून लेना है, यानी कि सूजी में कच्चापन नहीं होना चाहिए। देखिए, चलाते हुए इसे लो मीडियम फ्लेम पे आप 3 से 4 मिनट भूनेंगे, जो सूजी आपका होगा वो भून के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, हम चलाते हुए इसे भूनेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो एक साइड से कम सिक जाएगा, एक साइड से ज्यादा सिक जाएगा। तो चलाते हुए इसे भून लें, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सूजी का कलर है बहुत ही बढ़िया सुनहरा सा हो गया है और ये अच्छा खासा भून गया है। तो हम गैस को बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लेम हम लो कर लिए थे भून रहे थे। तो अब हम गैस को बंद करके उसे ठंडा कर लेते हैं सूजी को। तो देखिए, हम ठंडा कर लिए हैं सूजी को, या फ्लेम को लो भी कर सकते हैं आप। और देखिए, हल्का सा ठंडा होने पे जो हमारा पेन है, इसमें बिल्कुल सावधानी से हमें डालना है दूध को। आप चाहे तो ज्यादा भी ठंडा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं लो फ्लेम करके। तो मैं यहाँ पे लो फ्लेम कर ली थी, और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध डाल के। तो ये हम लो फैट दूध लिए हैं, आप चाहे तो फुल क्रीम भी ले सकते हैं। और यहीं पे हम 50 ग्राम चीनी डाल लिए हैं, चीनी डाल के अच्छा से हम मिला लेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो सूजी है और दूध है बिल्कुल गाढ़ापन हो गया है, और ये बिल्कुल तैयार है कुल्फी के लिए। तो हम इसे ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा जमाना है हमें इसे। तो देखिए, एक हम बाउल ले लेंगे, या किसी भी आप मटका में या किसी भी गिलास में इस कुल्फी को बना सकते हैं, या कोई सा भी एयरटाइट डब्बा हो उसमें भी। तो ऊपर से जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट वो डाल लें। तो मैं यहाँ थोड़ा सा काजू डाल ले रही हूँ, देखिए। तो अच्छा से हम अरेंज करके डाल ले रहे हैं कि चारों तरफ हमारा काजू आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में अभी से ही, और ये जब जम जाएगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस या इलायची का पाउडर। मैं इसे सिंपल ही बनाई हूँ। तो देखिए, अब इसे हम अच्छे से एक रेपर से रेप कर दे रहे हैं, फॉइल पेपर से। और उसके बाद आप चाहें तो रबड़ लगा लें, या बढ़िया से इसी तरह से रेप करके इसे 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीजर में। जब जाके ये अच्छा से कुल्फी आपका जम के रेडी हो जाएगा। देखिए, हम 6 घंटा के बाद में निकाल के दिखाते हैं कि कैसा जमा है हमारा कुल्फी। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया जम गया है, देख सकते हैं, तब बढ़िया जमा है। तो आप चाहे तो इसे किसी भी डिजाइन में कट करें या गोल निकाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा पानी नीचे रख ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ये पिघल जाए नीचे से तो आसानी से निकल जाएगा बाउल में से। तो एक चम्मच के हेल्प से हम किनारा को छुटा ले रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे हमारा कुल्फी बहुत ही बढ़िया जमा है सूजी का। तो देखिए, हम कॉर्नर को सारा छुटा लिए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। और देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। तो आप किसी भी डिजाइन में इसे कट करके अपने फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं काट लेते हैं इसे। तो देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है और बहुत ही अच्छा जमा भी है। तो आप जितना बड़ा पीस करना चाहते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं 4 पीस कर ली हूं। अब हम एक बाउल में इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए, डाल ले रही हूँ बाउल में, और ऊपर से आप चाहें तो कोई सा भी चॉकलेट सिरप या कुछ भी आप इसे डेकोरेशन करके सर्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल ली हूँ, देखिए कितना देखने में भी अच्छा लग रहा और खाने में भी बहुत ही लजीज है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए खाते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें और रोजाना खाना से जुड़े रहें।